तो टाटा मोटर्स जो है ना एक के बाद एक धमाकेदार जो है ना टीज करते जा रहा है अपने सफारी और हैरियर के फेसलिफ्ट को लेके। तो आज भी जो है ना टाटा मोटर्स ने जो है ना हैरियर और सफारी के फेसलिफ्ट को जो है ना टीज करते हुए जो है ना काफी क्लियर वीडियोस यहाँ पे सामने आए, जिसको जो है ना मैंने बिल्कुल स्लो मोशन में इस वीडियो को किया है और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन वीडियो के अंदर क्या क्या चीजें हमारे को क्लियरिटी शो कराती है। यहाँ पे पता नहीं कुछ जेली टाइप का आप लोग को सामने दिखाई दे रहा है, जिसका तो कोई सेंस नहीं बन रहा है कि भाई ये क्या ही चीज हो सकता है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना अगर आप लोग को समझ आ रहा है कि ये चीज क्या है। अब इसके बाद जो है ना हैरियर को जो है ना यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो है ना हमारे को सामने आ रहा है, ये जो पीछे का कनेक्टेड टेल लैंप आप लोग देख रहे हैं हैरियर का जो कि सामने आ रहा है जलते हुए। वीडियो बिल्कुल स्लो मोशन में है ताकि आप लोग को जो है ना अच्छे से दिखाई दे। ये देख सकते हैं हैरियर का ये जो बैक लुक है और कलर्स भी आप लोग देख रहे हैं, कुछ ग्रीनिश टाइप का जो है ना कलर आप लोग को इसके अंदर मिलेगा, लाइक आप लोग को कैमो वाला जो कलर है वो इसके अंदर आप लोग हो सकता है मिले। यहाँ पर आप लोग क्लियर तरीके से देख सकते हैं। बाकी टाटा को लोगो इसके नीचे आप लोग को 360 डिग्री कैमरा भी मिलेगा। अगर हम लोग ठीक से इसको अगर जज करेंगे तो सामने का जो आप लोग देख सकते हैं लुक काफ़ी ज़्यादा चेंज है। यहाँ पे सफारी और हैरियर जो पहले वाली थी वहाँ पे दोनों में सिमिलैरिटीज़ लगते थे और यहाँ पे जो है ना इस बार आप लोग को जो है ना बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि सफारी कौन सी है और हैरियर कौन सी, आप लोग को दोनों की दोनों अलग अलग लुक लगने वाले हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग के सामने जो DRL है वो कनेक्टेड है और जो बम्पर है ना आप लोग को जो है दिखता है वो भी बिल्कुल अलग दिखने वाला है इसके अंदर। तो कलर भी आप लोग को बिल्कुल नया नया मिलने वाला है। तो ये देखिए कुछ ये लुक पीछे का आप लोग को यहाँ पे मिलने वाला है इसका, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है। ये सफारी है और सफारी के अंदर भी देख सकते हैं अब यहाँ पे जो है ना आप लोग को फुल LED का सेटअप देखने को हमारे को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और अलॉय व्हील भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है ना यूनिक दे दिया गया है आप लोगों को, हो सकता है 18 या 19 इंच का हो और काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रहे हैं। पर्सनली एक्साइटमेंट लेवल बहुत ही ज़्यादा हो चुका है मेरे अंदर हाई। और आप लोग का क्या ख्याल है इस गाड़ी को लेके, इन SUVs को लेके, ज़रा मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करना। और कैसी लगी आप लोग को ये ज़रूर बता देना यार। इमेजेस काफ़ी ज़्यादा क्लियर नहीं है क्योंकि टाटा मोटर्स धीरे धीरे करके जो है ना अपनी गाड़ी को अब रिवील करते जा रहा है। तो ये आप लोग को साइड प्रोफाइल कुछ सफारी की लगने वाली है। कलर दोनों के अंदर आप लोग को जो है ना सेम मिलेंगे बट यूनिक भी आप लोग को कलर इसके अंदर मिलने वाला है। अलॉय व्हील काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहे हैं मेरे को पहले से, बट अब आप लोग बताना पर्सनली आप लोग को ये गाड़ियाँ कैसी लगी। बाकी यही वीडियो थी आज के, इस वीडियो के अंदर आप लोग को मैंने बता दिया कि क्या क्या चीज़ें थी, आप लोग को क्या क्या चीज़ें समझ में आई वो भी आप लोग मुझे जो है ना कमेंट बॉक्स में जाके बता देना। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ यहाँ पर हम सबसे पहले आप लोग के लिए लेके आते हैं। तो मैं मिलूंगा ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। आप लोग का दिल शुभ रहे वीडियो देखने के लिए। आप लोग का दिल से धन्यवाद। जय हिंद।